हम लोग सड़क पर अपनी जायज मांगों को लेकर उतरे तब हम लोगों पे लाठियां चलाई गई। अगर बिहारियों को बिहार में भी रोजगार नहीं मिलेगा, दूसरे प्रदेशों में अपमानित किया जाता है, तो कहां जाएगा बिहारी? 33 साल से ये लोग सरकार में। आज बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि बिहारियों में क्षमता नहीं है, उनमें सामर्थ्य नहीं है अच्छे शिक्षक बनने का। जब सरकार बनाने की बात आती है तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। कोई बोलता है 10 लाख रोजगार देंगे, तो मुख्यमंत्री बोलते हैं 10 लाख क्यों, 20 लाख देंगे। नमस्कार, है पूजा चौबे, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव। मोकामा पहुंचे चिराग पासवान ने कहा कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना लेते तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। दरअसल चिराग पासवान वीर शिरोमणि बाबा चौहर मल नव निर्माणित मंदिर प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे, जहां इस मौके पर चिराग पासवान ने जनसभा को संबोधित करते हुए बोले, बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं और बिहार के जो शिक्षा मंत्री डिप्टी सीएम पर जमकर निशाना साधा है। चिराग पासवान ने कहा कि जब हम पलायन करके दूसरे राज्यों में शिक्षा के लिए जाते हैं, रोजगार के लिए जाते हैं, तो लोग हमें बिहारी बोलकर अपमानित करते हैं। अपने राज्य में जब हम अपने अधिकार के लिए सड़कों पर उतरते हैं तो हमारी राज्य की सरकार द्वारा हम पर लाठियां बरसाई जाती है। आखिर ये कब तक हम सहते रहेंगे? अपने हक की बात करते हैं तो लाठियां क्यों मिलती है खाने के लिए बिहार के जो युवा हैं? डिप्टी सीएम बोलते हैं जब चुनाव आता है तो वादे होते हैं कि हर साल 10 लाख नौकरी देंगे, तो सीएम बोलते हैं कि 10 क्यों, 20 लाख नौकरी दे देंगे, लेकिन अब तक 20 लोगों को भी नौकरी नहीं मिल पाई। और बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं बोलते हैं कि बिहार के छात्र योग्य नहीं हैं, लेकिन बिहार के जो शिक्षा मंत्री हैं वो ये नहीं जानते कि वो 33 सालों से राज्य चला रहे हैं। आखिर ऐसी क्या कमी रह गई बिहार में कि बिहार के जो युवा हैं वो शिक्षक बनने के योग्य ही नहीं रहे हैं? तो सबसे पहले आपको सुनाते हैं क्या कुछ बोल रहे हैं चिराग पासवान। बिहार में उद्योग की बात करता हूँ। आज की तारीख में बिहारी युवा मजबूर है पलायन कर दूसरे राज्यों में जाने के लिए। और अफसोस की बात ये कि जब बिहारी युवा पलायन करके दूसरे राज्यों में जाता है शिक्षा रोजगार के लिए, तो वहां पर उस पर लाठियां चलाई जाती है, उसे अपमानित किया जाता है, बिहारी बोलकर उसे बेइज्जत करने का काम किया जाता है। और तो और अफसोस तो बहुत ज्यादा होता है कि जब हम बिहारियों पर दूसरे प्रदेश के लोग ही लाठी नहीं चलाते, जब हमारे खुद के प्रदेश में हमारे खुद के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के आदेश पर हम लोगों पर लाठियां चलाने का काम किया जाता है। जब जब हम लोग सड़क पर अपनी जायज मांगों को लेकर उतरे तब तब हम लोगों पे लाठियां चलाई गई, भले वो छात्र हो भले वो शिक्षक हो। आज भी पटना में तमाम अभ्यर्थियों पर जो कि अपनी जायज मांग को लेकर, और हकीकत है भैया, पिछले 3-4 साल से वैकेंसी निकलने के बावजूद भी क्यों बहाली नहीं की जा रही है, क्यों नियुक्तियां नहीं की जा रही है, और एक तरफ उनकी नियुक्ति नहीं की जा रही है तो दूसरी तरफ आए दिन नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं। पहले सीटेट बीटेट था, उसके बाद बीपीएससी को जोड़ दिया गया, और आज जब हमारे अभ्यर्थी उसकी तैयारी कर जा रहे हैं तो उसमें दो मिसाइल को उसमें हटा दिया गया कि भैया बाहर के भी लोग आएंगे वो भी उसमें परीक्षा दे सकते हैं, तो भैया बिहारी जाएगा कहां? अगर बिहारियों को बिहार में भी रोजगार नहीं मिलेगा, दूसरे प्रदेशों में अपमानित किया जाता है, तो कहां जाएगा बिहारी? ये सवाल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से पूछना जरूरी है। आज जो लोग सत्ता में बैठे बिहार को विकसित राज्य बनाने की बात करते हैं, पूछे ना भैया इन लोगों से कि पिछले 33 साल से इन लोगों पर नहीं तो और किस पर भरोसा किया हम लोगों ने? 33 साल से ये लोग सरकार में है। आज बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री बोलते हैं कि बिहारियों में क्षमता नहीं है, उनमें सामर्थ्य नहीं है अच्छे शिक्षक बनने का, तो भैया क्यों ऐसे छात्र पैदा नहीं हुए जो बेहतर शिक्षक बन सके? और अगर बेहतर छात्र नहीं पैदा हुए तो इसके जिम्मेदार
ये लोग नहीं है तो और कौन है? जो लोग पिछले 3 दशक से ज्यादा बिहार की सत्ता में बैठे हुए हैं। साथियों, ये तमाम बातें आज आप लोगों के समझ करने का एकमात्र उद्देश्य है। ये हम लोग को समझने की जरूरत है कि किस किस ने हम लोगों को सिर्फ इस्तेमाल करने का काम किया। जब चुनाव सामने आते हैं, जब सरकार बनाने की बात आती है, तो बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। कोई बोलता है 10 लाख रोजगार देंगे, तो मुख्यमंत्री बोलते हैं 10 लाख क्यों, 20 लाख देंगे। 200 आदमी को रोजगार मिला, यहाँ पे मिला है किसी को रोजगार? ये व्यवस्था इन लोगों ने बना के रखी है। आज भी दिल्ली बंबई लोग जाते हैं। भैया, मैं खुद दिल्ली में रहा हूँ, बंबई में मैंने काम किया, पर मैंने आज तक कभी नहीं सुना कि कोई दिल्ली बंबई का लड़का या लड़की बिहार आता हो शिक्षा के लिए। आप लोगों ने सुना क्या कोई बंबई का लड़का लड़की बिहार आया रोजगार के लिए? तो फिर क्यों क्यों सिर्फ हम बिहारियों को ही दूसरे प्रदेश जाना पड़ता है शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए? हम लोग दूसरे प्रदेश जाते हैं, वहां पर अपमानित भी होते हैं, पर हमारे प्रदेश में आज भी हम लोगों को व्यवस्थित करने की कोई नीति नहीं तैयार की गई। आज भी बिहार में कैसे आईटी सेक्टर खुलेगा, कैसे यहाँ पर उद्योग खुलना तो दूर की बात है, चालू रहे उद्योगों को बंद करने का काम किया जा रहा है। तो आपने सुना चिराग पासवान को क्या कुछ बोल रहे थे। चिराग पासवान साफ शब्दों में बिहार सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इनसाइडर लाइव। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।